हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट 2023 एट द रेट ऑफ UBC में। दोस्तों, आज क्रिकेट जगत में एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, ये देखते हैं दोस्तों उनका ब्यौरा क्या है। नंबर एक सचिन तेंदुलकर 49 शतक बनाने वाले, वनडे में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक है। सचिन ने 452 इनिंग्स खेल करके 463 वनडे मैचों में 49 सेंचुरी बनाई है। सचिन वनडे मैचों के बादशाह है। सचिन के वनडे मैचों के रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। सचिन के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा 18,426 रन बनाए हैं। साथ ही सचिन ने सबसे ज़्यादा 96 अर्धशतक है, 2016 छक्के और 195 छक्के लगाए हैं। तो इन्होंने मैच टोटल 463 खेले हैं, इनिंग्स 452 और शतक 49 बनाए हैं। नंबर दो पे है विराट कोहली, 40 शतक बनाए इन्होंने। ये सेकंड पोजीशन पर है इंडिया के एक और बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली। कोहली वनडे मैचों के दूसरे बादशाह है। कोहली ने 267 वनडे मैचों में 258 इनिंग्स बल्लेबाजी करके और 46 शतक जोड़े हैं। वहीं पर कोहली सचिन के 49 शतकों के रिकॉर्ड के करीब आ गए हैं और बहुत जल्द सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो इन्होंने मैच खेले 258 इनिंग्स में जो है 46 शतक बनाए हैं। तो वनडे में इन्होंने कुल रन बनाए 12,722, जिसमें कोहली ने 66 हाफ सेंचुरी बनाई है और 133 सिक्सर मारे हैं और टोटल चौके 1,196 शामिल हैं। वनडे में शतक लगाने के मामले में सचिन और कोहली के आसपास कोई नहीं है। नंबर तीन पे है रोहित शर्मा, इन्होंने 30 शतक बनाए हैं वनडे इंटरनेशनल में। ये थर्ड पोजीशन पर है भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा है। शर्मा को पूरे विश्व में हिटमैन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इन्होंने सिर्फ 241 वनडे मैचों में 264 इनिंग्स खेल करके और 30 शतक जड़े हैं और अवे रिकी पॉन्टिंग के 30 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी पर है और बहुत जल्द तोड़ने वाले हैं। इन्होंने 241 मैचों में 234 इनिंग्स खेल करके 30 शतक बनाए हैं और वनडे में अभी तक इन्होंने रन 9,782 बना चुके हैं, जिसमें 48 हाफ सेंचुरी है और 896 चौके हैं और 273 सिक्सर भी शामिल हैं इसमें। रिकी पॉन्टिंग ने जो 30 शतक बनाए हैं, ये चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं रिकी पॉन्टिंग। तो पॉन्टिंग ने वनडे में 375 मैचों में जो है 365 इनिंग्स खेल करके 30 शतक बनाए हैं। पॉन्टिंग अपने समय के बहुत ही तेज तर्राट बैट्समैन थे। पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को कई मैच जितवाए। इन्होंने 375 मैच खेल कर 365 इनिंग्स में 30 सेंचुरी बनाई है। पॉन्टिंग ने वनडे में 13,704 रन बनाए हैं। इसके दौरान पॉन्टिंग ने 82 हाफ सेंचुरी बनाई, 162 छक्के और 1,231 चौके भी लगाए हैं। नंबर पाँच में आता है सनत जयसूर्या, इन्होंने 28 शतक बनाए हैं। श्रीलंका के पूर्व धाकड़ सलामी बल्लेबाज सनत जयसूर्या इस लिस्ट में जो है फिफ्थ स्थान पर है। जयसूर्या श्रीलंका टीम के सबसे बेस्ट
ओपनर बैट्समैन में से एक थे। जय सूर्या ने वनडे में 445 मैचों में 28 शतक बनाए हैं 433 इनिंग्स खेल करके, और टोटल मैच इन्होंने जो है ना 445 433 इनिंग्स में 28 शतक जड़े हैं। जयसूर्या ने वनडे में 13,430 रन बनाए हैं, जिसमें जयसूर्या के 48 हाफ सेंचुरी है और 270 सिक्सर है और 1500 चौके भी शामिल हैं। नंबर से आसिम अमला 27 बैट्समैन 27 सेंचुरी इन्होंने बनाई है। ये सिक्स स्थान पर है, दक्षिण अफ्रीका के सबसे बेस्ट बैट्समैन आसिम अमला है। अमला दक्षिण अफ्रीका के सबसे सक्सेस बैट्समैनों में से एक। मैच इन्होंने 181 खेले, 178 इनिंग्स में 27 शतक, नायाब शतक बनाए इन्होंने। तो अमला ने वनडे में सिर्फ 181 मैचों में 178 इनिंग्स में बल्लेबाजी करके 27 सेंचुरी इन्होंने बनाई है। अमला के नाम से वनडे मैचों में 39 अर्धशतक हैं और 822 चौके और 53 छक्के शामिल हैं। नंबर 7 एबी डी विलियर्स ने 25 शतक बनाए हैं। ये 7th स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका के एक और बैट्समैन, और पूरे वर्ल्ड में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से ये फेमस है बैट्समैन एबी डी विलियर्स। डी विलियर्स ने 228 मैचों में इनिंग्स 218 खेली है और 25 इन्होंने सेंचुरी बनाई है। 2018 में ये सबसे फास्ट बैट्समैन जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी 228 मैच खेल करके 218 इनिंग्स में इन्होंने 25 शतक बनाए हैं। डी विलियर्स ने वनडे में सबसे ज़्यादा 101.09 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 9,577 रन बनाए हैं। 63 इसमें हाफ सेंचुरी है, 840 गेल चौके और 4 छक्के। 8वें स्थान पर वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज हैं ये, क्रिस गेल नाम है इनका। ये क्रिकेट की दुनिया में क्रिस गेल को सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है। ये मैच 301 खेल चुके हैं, 294 इनिंग्स में 25 शतक इन्होंने बनाए हैं। तो वनडे में इनका जो 301 मैचों में 294 इनिंग्स खेल के 25 शतक बनाए। गेल ने वनडे में कुल रन बनाए 10,480 रन और 54 अर्ध तक 1,128 चौके और 381 छक्के लगाए हैं। गेल वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। नंबर कुमार संगकारा 25 शतक रन बनाए हैं। श्रीलंका टीम के एक्स और सबसे बेस्ट ओपनर बैट्समैन कुमार संगकारा इस सूची में 9वें स्थान पर है। संगकारा ने वनडे क्रिकेट में 404 मैचों में 380 इनिंग्स बल्लेबाजी करके और 25 शतक लगाए हैं इन्होंने। संगकारा ने समय श्रीलंका टीम बहुत ही मजबूत थी। संगकारा ने वनडे में 14,234 रन बनाए, 63 हाफ सेंचुरी और 1,385 चौके और 88 छक्के जड़े हैं। संगकारा वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे स्थान पर है। नंबर 10 सौरव गांगुली, इन्होंने 22 शतक लगाए हैं वनडे इंटरनेशनल में। 10वें स्थान पर भारतीय टीम के एक्स सबसे बेस्ट बैट्समैन और कप्तान सौरव गांगुली, इनको दादा के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने 311 मैच खेल करके 300 इनिंग्स में 22 शतक बनाए हैं और साथ ही दादा ने वनडे में 11,363 रन, 73 हाफ सेंचुरी, 1,122 चौके और 190 छक्के लगाए हैं। तो ये 10 बल्लेबाज जिन्होंने
वनडे इंटरनेशनल में जो है सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाई है, इनका ये ब्यौरा था। तो दोस्तों शायद आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए ये वीडियो, तो अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, खुश रहिए, धन्यवाद आप सभी का, टेक केयर।